सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। यूपी की मेट्रो परियोजनाओं में सहयोग करेगा जर्मनी, राजदूत ने मुख्यमंत्री योगी से की मुलाकात। बांके बिहारी मंदिर में बढ़ने लगा भीड़ का सिलसिला, उमड़े श्रद्धालु गलियों और गेट पर रही आपाधापी। कड़ाके की ठंड से राहत के बाद अब बारिश का दौर, कई इलाकों में आज बरसात के आसार हैं। हाजी याकूब कुरैशी की संपत्ति का पूरा ब्यौरा तैयार, करोड़ों की प्रॉपर्टी पर जल चलेगा बुलडोजर। रामचरितमानस पर टिप्पणी कर फंसे स्वामी प्रसाद मौर्य, साधु संतों के साथ थाने पहुंचा हिंदू महासभा। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद बयान से भड़की अपड़ा, बोली वो अपने चरित्र का उदाहरण दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का नया दांव, सभी वर्गों के बीच पहुंचने के लिए टिफिन बैठक। बीजेपी ने डाटा प्रबंधन के लिए लॉन्च के सरल ऐप, बूथ से मतदाताओं का डाटा प्रबंधन करेगी बीजेपी। विधायक इरफान सोलंकी की टली अग्रिम जमानत, केस डायरी के अभाव में टली अग्रिम जमानत। दहाड़े व्यापारी से 12 लाख की लूट, सिर पर तमंचा मारकर छीन लिया बैग, व्यापारियों में दहशत का माहौल। यूपी बोर्ड परीक्षा में 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे तैनात, सीसीटीवी की निगरानी में प्रैक्टिकल न कराने वालों पर होगी एफआईआर। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा लोकसभा चुनाव में 80 सीटें हार सकती है भाजपा। विभाग ने शुरू किया सौंदर्यकरण, G20 सम्मेलन के बिजली के खंभे में कलर किए जा रहे हैं। गौरी मामले से जुड़े दो केसों में हुई सुनवाई, जज ने 21 मार्च को दी गई अगली तारीख। पर आग कार में लगी, नोएडा आगरा की तरफ जा रहे थे कार सवार। अलीगढ़ में छात्रों ने किया मेडिकल कॉलेज में मारपीट, पुलिस को देखते छात्र मौके से हुए फरार। अलीगढ़ में पड़ोसियों ने किया महिला पर चाकू से हमला, मामूली कहा सुनी को लेकर किया गया हमला। अलीगढ़ में इंस्पेक्टर ने दिखाई दरियादिली, गरीब परिवार की बेटी को दिलाई साइकिल। महिला की फांसी लगाकर हत्या, ससुराल पक्ष पर लगे हत्या के आरोप। अमरोहा में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के निंदा, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ने कार्रवाई की मांग की।
औरैया में कचरा ब्लॉक में डीएम ने किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गाजियाबाद में बाज के साथ तस्कर हुए गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, सपा पर लगा तुष्टीकरण का आरोप। अलीगढ़ में जलभराव की समस्या से परेशान विद्यार्थी, बच्चों और नागरिकों ने किया प्रदर्शन। औरैया में अंधविश्वास उन्मूलन समिति के अध्यक्ष का फूंका गया पुतला, नारेबाजी करते हुए पुतले में लगाई गई आग। औरैया में चाय बनाते समय महिला व उसकी ननद झुलसी, गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। देवरिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो चोर करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद में स्ट्रीट क्राइम की टीम को मिली बड़ी सफलता, ठगी करने वाले गिरोह को किया गया भंडाफोड़। बाद में रील बनाते हुए युवक का वीडियो वायरल, रील बनाने वालों पर पुलिस ले रही एक्शन। गाजियाबाद में दबंगों ने किया सोसाइटी के गार्ड की जमकर पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुआ सारा मामला। कानपुर में जेल से रिहा हुई खुशी दुबे, पुलिस ने लगवाए घर के पास सीसीटीवी कैमरे। कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पांच वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां बनती हैं इस तरह की याचिकाएं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण कर कहा, राष्ट्र के प्रथम भाव को सदैव निखार सके इसके पक्षधर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गुजरात के अडानी मुद्रा पोर्ट में खड़ा था टैंकर, बनारस में हो गया चालान, फर्जी नंबर फ्लैग फास्टैग पर खेल। श्रृंखला बनाकर किया गया जागरूक, आजमगढ़ में स्कूलों में होगी पेंटिंग प्रतियोगिता, सड़क सुरक्षा के तहत चलाया जा रहा है अभियान। सीएचएम यूनिवर्सिटी पहुंचे प्रोफेसर विनय पाठक, दोबारा संभाल सकते हैं चार्ज, सीबीआई कर रही है भ्रष्टाचारों के आरोपों की जांच। श्रावस्ती में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई जयंती, श्रृंखला के जरिए सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। को डंडे से पीटा, घेर पर चार लोगों ने पिटाई की, नाली खड़ंजा के विवाद में पक्षपात का लगाया था आरोप।
मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के बाद एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार, पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ की बाल वैज्ञानिक बहनों की बड़ी उपलब्धि, राणा बहनें राष्ट्रीय निर्णायक मंडल की सदस्य चुनी गई। बरेली में फिर बदलेगा मौसम, बूंदाबांदी के आसार, तापमान बढ़ने से हाड़ कांपाने वाली सर्दी से मिलेगी राहत। कमिश्नर दफ्तर में धरने पर बैठे विधायक अतुल प्रधान, मेरठ कमिश्नर ने नहीं सुनी शिकायत, सपा विधायक बोले जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं तो जनता की दूर की बात है। विशुनपुर माफी गांव के प्रधान की दबंगई, चुनावी रंजिश में ग्रामीणों का खेत खुदवाए, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। पुलिस ने चार पशु तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से दो कैंटर किए जब्त, कैंटर में 38 पशु किए गए बरामद। अब पीटीआर में मजबूत किया जाएगा बाघ मित्रों का नेटवर्क, ग्रामीणों को मिलेगी सुरक्षा। काशी में दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं के आगमन से रेलवे का हुआ फायदा, इस साल 80 करोड़ का होगा मुनाफा। एडीसीपी चिरंजीव नाथ की सराहनीय पहल, रास्ता भटकी बुजुर्ग महिला को पहुंचाया घर। परिवार के साथ धरने पर बैठी बुजुर्ग महिला, न्याय की लगाई गुहार। नियमों का सिखाया पाठ। सुरक्षा माह के तहत किया गया जागरूक, 1000 बच्चों को दिलाई गई शपथ। प्रदर्शनी में पेश के बच्चों ने मॉडल, एमएलसी ने की बच्चों की सराहना। कानपुर क्षेत्र में फैली गंदगी से हाल बेहाल, सफाई की नहीं हो रही कोई बेहतर व्यवस्था। नेताजी की मनाई गई जयंती, निकाली गई सड़क सुरक्षा मानव श्रृंखला, 5 लाख लोगों ने किया प्रतिभाग। इरफान सोलंकी के करीबी हाजी अजन गिरफ्तार, जेल में बंद, फिर भी बढ़ रही है मुश्किलें। सुल्तानपुर में स्कूल में सड़क सुरक्षा माह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। लखनऊ सचिवालय में तैनात कर्मचारी ने बहू से की छेड़छाड़, मोहनलालगंज कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा। लखनऊ में कमलाबाद बुढ़ौली के एक घर में लगी आग, हादसे में एक महिला बुरी तरह से जलकर जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा ने किनारा किया, रविदास मेहरोत्रा बोले स्वामी प्रसाद मौर्य को ये निजी बयान है। कुशीनगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर को किया गिरफ्तार, चोरी की 6 कार, 1 बाइक भी बरामद की। हापुड़ तहसील में भ्रष्टाचार का उजागर, बाबू लेखपाल ने मांगी 11,000 की रिश्वत, वीडियो वायरल।
पुलिस ने अवैध हुक्काबार पर मारा छापा। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया। शहादतगंज के कैंपल रोड पर छापेमारी। फर्नीचर की दुकान में लगी आग। आग लगने से सामान जलकर हुआ राख। इलाके में मचा हड़कंप। बुजुर्ग महिला मरीज को अस्पताल में नहीं दी एम्बुलेंस। ठेला पर ले जाने को मजबूर हुए परिजन। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित मुद्दे पर बोले चंपत राय। कहा जन्म से आते हैं ईश्वरीय शक्तियां। अलीगढ़ में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं की नजर। मौके पर पहुंचा नगर निगम। कर भूल गए अधिकारी। यूपी में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का नहीं मिला लाभ। २०२१ के फर्जी मुठभेड़ मामले में 12 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। हत्या की लगाई गई धारा। सपा नेता राजीव राय का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी के बयान के पूर्वांचल के प्रति घृणा को दिखाते हैं। मऊ में शिक्षक एमएलसी पद प्रत्याशी देवेंद्र सिंह का बयान। कहा चुनाव में रिकॉर्ड जीत के लिए तैयार है। फरुखाबाद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने किशोर को रौंदा। हादसे में किशोर की मौके पर दर्दनाक मौत। संबल में रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला की मौके पर हो गई मौत। अल सुपर स्लाटर हाउस में आयकर की जांच जारी। 6 सदस्य टीम फैक्ट्री में मौजूद। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस सरोकार।